लेकिन पहले चार राशियों का हाल जान लेते हैं क्योंकि दर्शक हमारा इंतजार कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त है। बिल्कुल। मेष राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है लेकिन फिर भी चिंता की बात नहीं है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा इस दिन, एक तो वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं, माताजी का ख्याल रखें, मित्रों का ख्याल रखें, मन यदि दुखित चिंतित हो भी तो ज़्यादा परवाह ना करें, बस एक उपाय कर लीजिएगा। इस दिन दूध का दान कीजिएगा, ओम नमः शिवाय का सांस भर के जप कीजिएगा और काम पर जुटिएगा, फिर सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, यह आपके लिए समय ठीक है। अचानक कुछ अच्छा कार्य हो सकता है या अचानक कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी गड़बड़ की बात नहीं है। बस एक सावधानी आप रखिएगा और वो सावधानी है कि बोलिएगा थोड़ा ध्यान से, बाकी एक उपाय है वो आप कर लीजिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे तो मुझे सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, घर गृहस्थी में कहीं कोई दिक्कत ना हो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, बाकी समय बुरा नहीं है, अचानक कहीं जाना आना भी पड़ सकता है, एक सावधानी जरूर रखिएगा। इस दिन अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपने पार्टनर, अपनी पत्नी और या जिनसे आपका विवाह होना है वो या आपके पति, इनसे मनमुटाव ना हो जाए इस बात का ख्याल रखें। कर्क राशि, ये समय आपको थोड़ा परेशान करेगा, पता नहीं क्यों थोड़ा दुखी दुखी सा महसूस करेंगे, लेकिन परेशानी की कोई बात है नहीं, शाम तक आते आते मन अच्छा भी हो जाएगा। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, कोई लंबी चौड़ी बात किसी से मत कह दीजिएगा, कोई वायदा मत कर दीजिएगा, एक उपाय करें, ओम नमः शिवाय का जप करें, उनका ध्यान करें, फिर काम पर जुटे, सब ठीक करें। तो गुरु जी ने जो जानकारी दी, गुरु जी ने जो उपाय बताए, उसे आप जरूर सही तरीके से करें क्योंकि वक्त थोड़ा सा खराब चल रहा है। अब अगली राशियों पर चलते हैं, तो अगली चार राशियों का हाल बताइए। सिंह राशि, लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं इसलिए मन को बहुत शांत रखने की जरूरत है, पार्टनर और जीवन साथी से भी अच्छा व्यवहार कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक सावधानी और रखनी है आपने, इस दिन किसी को अपना वाहन या और कोई कीमती चीज उधार नहीं देनी है, छोटा सा उपाय कर लीजिएगा इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दीजिए फिर अपने काम पे जुटिए तो सब ठीक कर लेंगे। कन्या राशि, शत्रु पक्ष इस दिन आपकी हानि नहीं कर पाएगा, बहुत सारे शत्रु आपसे मित्रवत भी हो सकते हैं, बस एक सावधानी रखना, अपने राज किसी को मत बताना और कहीं भी सिग्नेचर करें या कहीं कोई बात करें, कमिट करें, कोई वायदा करें तो बहुत सोच समझ कर करें। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दीजिए और साथ साथ दूध का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा। तुला राशि, यह समय आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल तो नहीं है लेकिन प्रतिकूल भी नहीं कहा जा सकता, बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ी सी प्राप्ति होगी, लेकिन प्राप्ति होगी, भाग्य पक्ष बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। इस दिन एक सावधानी जरूर बरतें आप, इस दिन कहीं भी निवेश करने से पहले बहुत सोच समझ लीजिएगा, सलाह मशवरा कर लीजिएगा, अन्यथा घाटा होगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए माँ दुर्गा का जप कीजिए, फिर काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से या निवेश करने से नुकसान हो सकता है, वो ध्यान रखिएगा, बाकी एक सावधानी विशेष रूप से, इस दिन मित्रों के साथ मनमुटाव हो सकता है, किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं पूरी नहीं होंगी तो आप उस पर क्रोध कर सकते हैं, बाकी उपाय नोट करें। आप इस दिन पके हुए भोजन का दान जरूर कर दीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे। तो गुरु जी ने जो उपाय बताए वो आप जरूर कीजिएगा। धनुराशि, आपके लिए समय अच्छा है, खूब मेहनत कीजिए, आगे बढ़ने के आपको कई अवसर मिलेंगे, लेकिन एक सावधानी, इस दिन यात्रा में कोई परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे। मकर राशि, आप आज दिन भर बहुत सारी जगहों पर हाथ पैर मारेंगे लेकिन कार्य ऐसी जगह पर बनेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते थे, फिर भी दिन बुरा नहीं है, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, एक तो लाल कपड़े धारण मत कीजिए, पीले रंग या अथवा सफेद रंग का धागा अथवा वस्त्र पहन के तब काम पर जुटिए। कुंभ राशि,
ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। जिन लोगों को रक्त संबंधी, हृदय संबंधी, लीवर संबंधी व्याधियां हैं, वो अपने परहेज अच्छे से करें, सावधानी जरूर रखें। इस दिन किसी को धन ना दें जल्दबाजी में। उपाय क्या करना है? ओम अंग अंगारकाय नमः का जप कीजिए, हनुमान जी का ध्यान करके अपने काम पर जुटिए। मीन राशि, ये दिन धन की दृष्टि से थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन शत्रु पक्ष आपका ठीक हो जाएगा एकदम, चिंता मत कीजिए, बस एक सावधानी बरत लीजिएगा। इस दिन नए शत्रु ना बना बैठे आप, इस बात का ख्याल रखें। उपाय क्या करना है? 5 फलों का दान कीजिए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।